हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखिए, त्रिकोणमिति जो है ये तीन शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन सा? त्रि, कोण और मिति। ठीक है, त्रि का मतलब समझ रहे हैं, थ्री होता है, थ्री तीन, कोण यानी एंगल और मिति यानी कि मेजर। तो तीन कोणों की मां ही क्या कहलाए कि त्रिकोणमिति। इसका अर्थ हुआ तीन कोणों की माप, तीन एंगल से बना। तो तीन एंगल से बना क्या होगा? त्रिभुज होगा। तो हम लोग इस चैप्टर में, क्लास 10 के चैप्टर में क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को लेकर त्रिकोणमितीय संबंधों के द्वारा दर्शाते हैं, और वो त्रिकोणमितीय संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अब वो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? तो टोटल छह को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है आपका कोसेकेंट, पांचवा हो जाएगा आपका सेकेंट, और छठा हो जाएगा आपका कोटेंजेंट। इनके नाम और संक्षेप में हम लोग इसको ऐसा ही साइन ऐसे बोलते हैं, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंट को कॉसेक, सेकेंट को सेक और कोटेंजेंट को कॉट लिखा जाता है। तो इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों में इनके किसी भी न्यून कोण को लेकर उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? संबंध दर्शाते हैं इनकी दो भुजाओं। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर कोई कोण लेते हैं, कोई भी न्यून कोण लेते हैं समकोण त्रिभुज में, तो उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, और उसके साथ जो संलग्न समकोण बनाने वाली भुजा होगी उसको आधार यानी कि बेस, और तीसरा जो होगा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, जो भी आपको लगे। और त्रिकोणमितीय कोण को हम लोग संकेत होता है थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से भी सूचित करते हैं इन कोणों को, इस तरह से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इनकी दो भुजाओं, किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का अनुपात एक निकाल लेता है, और उन अनुपातों को इन त्रिकोणमितीय अनुपात से उसको दर्शाया जाता है, और वही इनके बीच का संबंध कहलाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से संबंध है? पहला संबंध साइन थीटा, यानी कि क्या कर रहे हैं, इस एंगल का इस कोण थीटा का हम लोग साइन वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो वो होता है लंब और बटा में कर्ण, यानी अगर संक्षेप में लिखे तो पी बटा में एच। उसी तरह से दूसरा कॉस थीटा, इसका होता है आधार बटा में कर्ण यानी कि बी बाई में एच। तीसरा होता है टैन थीटा, तो लंब और बटा में इसको कहते हैं आधार, यानी कि हो जाएगा आपका पी बाई में बी। अब इसी के जस्ट अपोजिट रिसिप्रोकल संबंध जो होता है कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में हाइपोटेनस और बाई में परपेंडिकुलर। उसी तरह से यहां जो कॉस है, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, सेक थीटा। तो यहां पे देखिए आपका आधार बटा कर्ण है, यहां हो जाएगा कर्ण बटा, इसको क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस और बाई में बेस। टेन है, टेन का रिसिप्रोकल यहां पे लेंगे कॉट थीटा, जैसे यहां लंब बटा आधार है, वहां आधार बटा लंब और बटा में लंब हो जाएगा, लेकिन बेस और बाई में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको हम लोग इनके क्या करते हैं, संगत भुजा, इनकी कोई भी दो भुजा लेकर अनुपातों के रूप में इस तरह से दर्शाया जाता है। देखो हर एक जगह है ना, जितने भी पेयर हो सकते हैं इसमें भुजाओं के सारे ले लिए। समकोण त्रिभुज के लिए इसमें एक और नियम जानते हैं आप लोग कि यहाँ जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के
बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पीछे त्रिभुज चैप्टर में भी सिद्ध किया और ये हम लोग शुरू से ही पढ़ते भी आ रहे हैं, है ना जी। इसका सिद्ध हम लोग त्रिभुज चैप्टर में किए। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है और इनके प्रयोग द्वारा हम लोग क्या करेंगे, दो भुजाओं के अनुपातों को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, ये बेसिक था, ये छह फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज है, उन सबको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना जी। तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, क्या मैंने अभी बताया। तो ये समझिए कि आज का इस त्रिकोणमिति पाठ का एक परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें बहुत कुछ जानना है, 11th क्लास में जाओगे ना तो और ज्यादा डीपली इसमें बहुत कुछ जानना है, बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ना है। हमें इसको एक शॉर्ट तरीके से बता सकता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, और थीटा इक्वल टू पी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। और बाकी तो उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, पलट देंगे एच बाई बी, एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, एच बाई बी हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, बी बाई पी हो जाएगा। समझ गया ना। तो ये इसे भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, कुछ भी नाम अपने कहानी बना दिए उससे आप याद रख सकते हैं। यही है आज की क्लास में, ये बेसिक ही रह जाते हैं, अगले क्लास में आगे बात करें।